राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद करने पर राज्य के पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने हमारे बीसीएन न्यूज के संवाददाता को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी गरीब जनता की समस्याएं ट्विटर के माध्यम से उजागर करते हैं, जिससे सरकार घबरा गई और आनंद फानन में उन्होंने राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ट्विटर के अकाउंट का जो हेड है उसको यहाँ से तबादला कर दिया गया है। ये जो चीज मालूम पड़ी इससे हम तो अंदाजा लगता है कि ये भारत सरकार की तरफ से की हुई पहल है। कांग्रेस के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश के गरीबों की और पिछड़े लोगों की आवाज उठाने की जो कोशिश की, देश की हकीकत लोगों के आगे बयान करने की जो कोशिश की, वो पूरी आवाज दबाने के तहत उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और उस पर कुछ तो भी लीपापोती के माध्यम से भारत सरकार बचना चाहती है, इसलिए ट्विटर अकाउंट के हेड का ट्रांसफर कर दिए। हकीकत यह है कि बाकी सब चीजों में यदि वो ऐसे हरकत करने वाले लोगों का बयान लेती है, उनसे पूछताछ करती है, तो ट्विटर अकाउंट के हेड को उन्होंने बुला के पूछताछ क्यों नहीं की, क्यों लोगों के आगे सच नहीं लाया। भारत सरकार आज सारी चीजों को, हकीकत को दबा रही है, लोगों के आगे सही चीज जाने नहीं दे रहा है और वो चाहते हैं कि लोग हर चीज से वहां पे लोगों को मालूमात ना हो। चीन देश में अंदर आ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और आज भारत देश में सरकार नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। इस दबाव तंत्र का विरोध करने के लिए राहुल गांधी जी जो पहले उठे, हम सब मिलकर उनको साथ दे, इतना मैं देशवासियों को निवेदन करता हूँ और भारत के गरीब आदमी की आवाज बुलंद हो, ये मैं उन सबसे अपेक्षा करता हूँ।